हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरिजन के बीच में, जो कि रहेगा सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के एंड फोकलिफ्ट लाइसेंस के। सो कौन सा लाइसेंस हमें पहला बनाना चाहिए, जैसे कि फोकलिफ्ट हो गया या फिर सिक्योरिटी हो गया। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है यहाँ पर आके। बहुत लोग सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं ईजी जॉब समझ के, बहुत लोग फोकलिफ्ट की तरफ जाते हैं इनकम ज़्यादा देख के। सो आज की वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर कि मेरे को कैसा क्या लगता है कि कौन सा लाइसेंस हमें पहला बनवाना चाहिए। मेरे पास दोनों लाइसेंस है एंड मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ फुल डिटेल में कि कौन सा लाइसेंस हमें यहाँ पर आके ज़्यादा सही रहेगा एंड हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहेगा एंड हमारी जॉब सिक्योरिटी भी उसकी अच्छी रहेगी। एंड ये वीडियो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है, जैसे कि टाइम, इनकम, कॉस्ट एंड जॉब सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। एंड बेसिकली यहाँ पर कनाडा में मेल एंड फीमेल का भी, जेंडर का भी बहुत होता है कि कई लोगों को मिल जाती है जॉब, कई लोगों को, कई गर्ल्स को नहीं मिलती, कई बॉयज़ को नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो सिर्फ गर्ल्स को मिलती है, बॉयज़ को नहीं मिलती। एंड बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो सिर्फ बॉयज़ को मिलती है, जो गर्ल्स को नहीं मिलती। सो दोनों के इस चीज़ में भी कंपेरिजन होगा कि कहाँ गर्ल्स जा सकती है, कहाँ बॉयज़ जा सकते हैं। एंड सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड एक और बात कि ये वीडियो मैं ऑन्टेरियो में रहकर बना रहा हूँ, सो मैं ऑन्टेरियो को अच्छे से बता सकता हूँ, मुझे बाकी प्रोविंस का नहीं पता। बट ऑन्टेरियो, टोरंटो, जीटीए के आसपास का एरिया मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कहाँ ज़्यादा आप फोकस कर सकते हो। सो एंड तक देखना वीडियो को, एंड अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। पहला फैक्टर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो रहने वाला है टाइम। सो सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के ऊपर आ जाते हैं कि हमें कितना टाइम लग सकता है सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस को बनवाने के लिए। तो जब मैंने प्रोसेसिंग चालू की थी, मेरे को एटलीस्ट 1 and half month, 2 months लग जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड का पूरा प्रोसेस के लिए। आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर मिलेगा। ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर के बाद आपका टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन डेट्स मिलेगी आपको, कौन सी डेट मिलती है वो भी डिपेंड करता है। कई बार डेट बहुत आगे की मिलती है, अभी बीच में 2-2 months बाद की, 1-1 month बाद की डेट मिल रही थी। फिर आपका एग्ज़ाम जब क्लियर होगा उसका, आपको उसके बाद आपको लाइसेंस अप्लाई करना है। सो पूरा प्रोसेस मान लो आप 1 से 2 months के बीच में, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 1 month का तो है ही है। एंड मेरा मतलब आपका डिजिटल कॉपी फिर भी जल्दी आ जाएगी, पर लाइक आपको कार्ड जो है आपका वो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ऐसे कोई चक्कर की बात नहीं है। आपको डिजिटल कॉपी से भी अपना लाइक आप जो अप्लाई कर सकते हो। सो इसका टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फोकलिफ्ट लाइसेंस, बिकॉज फोकलिफ्ट लाइसेंस में आपको सिर्फ एक कंपनी में जाना है जो कि आपको ट्रेनिंग देगी फोकलिफ्ट की, जो भी आपको सीखनी है। अगर आपको सारी फोकलिफ्ट सीखनी है तो आपको पूरा पैकेज देंगे एंड आपको मैक्सिमम 1 week और 1 day में भी आप लाइसेंस ले सकते हो। मैंने जहाँ से बनवाया था उन्होंने मेरे को 1 day में ही दे दिया था लाइसेंस। एंड मैंने ट्रेनिंग भी एक एक करके ली थी, मतलब ऐसे सबकी एक साथ ही ली थी। मैंने पहले लाइसेंस बनवाया था काउंटर बैलेंस का एंड हॉकी का, एंड देन मैंने बाद में रीच एंड ऑटो पिकर का भी लाइसेंस बनवा लिया जब मेरे को लगा कि हाँ मतलब ये इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा है। तो इसके बारे में भी एक डीप वीडियो आएगी पूरी फोकलिफ्ट लाइसेंस के ऊपर। सो अभी कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सो फोकलिफ्ट लाइसेंस में आपको 1 day लग सकता है, 1 week लग सकता है, बट सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस को आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो दिस वॉज द टाइम लिमिट्स, और टाइम कंपेरिजन में फोकलिफ्ट लाइसेंस बहुत कम है। बट लेट्स सी आगे और फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी जॉब लेनी चाहिए, कौन सी कहाँ किस साइड जाना चाहिए। सो मेक श्योर आप देखते रहिए। सो द सेकेंड फैक्टर इज कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कनाडा में यहाँ पर, क्योंकि आप जो भी अर्न करोगे या अपनी GIC यूज़ करोगे तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ लगा रहे हो, सही जगह लगा रहे हो कि नहीं। आपको हर चीज़, हर एक स्टेप अपना सोच के लेना पड़ेगा। जब तक आप स्टूडेंट हो, हर जगह यहाँ पर हर एक स्टेप आपको अच्छे से लेना पड़ेगा। जहाँ भी पैसे खर्च कर रहे हो, चाहे वो $10 हो, $15 हो, को देख के खर्च करने पड़ेंगे। सो मेक श्योर आप सही जगह पर अप्लाई करें। सो कॉस्ट की वहाँ पर बात करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस का कॉस्ट रहता है अप्रॉक्सीमेटली $300 to $400, जो कि आपका पूरा पैकेज रहता है। उसमें आपका एग्ज़ाम भी इंक्लूडेड है, $60 to $80 के बीच में आपका एग्ज़ाम फीस होती है। लाइसेंस की फ़ीस भी 70-80 कुछ ऐसी होती है। एंड आपका जो मेन कॉस्ट रहता है वो रहता है ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर का। कुछ कंपनीज जो होती है बिना ट्रेनिंग के आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर दे देती है, पर मोस्ट ऑफ द कंपनी CPR की ट्रेनिंग देती ही देती है। पर जो 8 hours लॉन्ग ट्रेनिंग होती है ना पूरी फुल सिक्योरिटी गार्ड की, वो सिर्फ कुछ ही एजेंसीज या कंपनीज देती है। पैलेडिन, पैरागॉन देते हैं जहाँ से मैंने बनवाया था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की
वीडियो पे बताया है भी आपको, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप वो जाके देख सकते हो। एंड ट्रेनिंग का जो कॉस्ट ओवरऑल ये पूरा सिक्योरिटी गार्ड का कॉस्ट रहता है वो रहता है $300 to $400। सो दिस विल बी द फुल पैकेज कॉस्ट। एंड कंपेयर किया जाए फोकलिफ्ट लाइसेंस के कॉस्ट को, एक चीज़ आप नोट करोगे कि फोकलिफ्ट लाइसेंस के लिए एक ऑलमोस्ट सिक्स टू सेवन मशीन्स होती है, इनमें से आप चाहो तो सारी सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे सारी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस साइड जॉब मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। सो पूरा पैकेज आपको थोड़ा सा चीप पड़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक एक करके आप सीखोगे तो, बट कई जगह पे आप बात करके चीप रेट्स में भी करा सकते हो अपना पूरा। एंड जहाँ से मैंने बनवाया था, मैंने वहाँ पर 200 में 4 लाइसेंस बनवाए हैं, रीच, ऑटो पिकर, काउंटर बैलेंस एंड बॉकी का। एंड कई जगह जैसे कई जगह पे होता है कि आप सिर्फ अकेला टेस्ट क्लियर करिए, वहाँ का जाके आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं लगती। अगर आपको सिर्फ लाइसेंस चाहिए तो आप $50 में अपना एक लाइसेंस बनवा सकते हो। एंड पूरा पैकेज कई बार मैक्सिमम $500-600 भी चल जाता है, पर जहाँ से अगर आप सही जगह ढूंढोगे तो 200 to 300 के बीच में आपकी बात बन जाएगी। एंड टाइम लगेगा सिर्फ 1-2 दिन। एंड आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहो तो बार बार ले भी सकते हो वापस। एंड मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप शुरू करें 1 या 2 लाइसेंस से फोकलिफ्ट के, जैसे कि जो हो गया मेन, रीच, ऑर्डर पिकर या काउंटर बैलेंस, ये तीनों में से कोई एक ऑप्ट करें जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी एजेंसी आपको जॉब दिला देगी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा जॉब्स देख रहे हो कि यहाँ ज़्यादा जॉब्स इस फोकलिफ्ट में ज़्यादा जॉब्स मिल रही है, वहाँ से आप चालू कर सकते हो। सो दिस वॉज इट, लाइक कॉस्ट दोनों का, एक का है 300 to 400, एक का है 1 लाइसेंस का 100 विद ट्रेनिंग, एंड 100 यू कैन से ओवरऑल पैकेज इज बिटवीन 200 to 300। सो दिस वॉज द अदर फैक्टर। टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ इनकम, पे रेट, विच इज़ वेरिएबल इन मोस्ट ऑफ दिस प्रोविंस। आई एम लिविंग इन ऑन्टेरियो, सो आई एम टेलिंग अबाउट ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो का आप अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात करी जाए तो यहाँ पर जॉब जो है सिक्योरिटी की, ये बड़ा कंपैरिजन हो सकता है, बिकॉज सिक्योरिटी की जॉब्स आपको जो है बिना गाड़ी के सिन पे ही मिलेगी, एनी अदर वेज में आपको नहीं मिल सकती। सो बेसिकली आप सिन पे अगर आप जाते हो तो आपको 20 RC मैक्स वर्क कर सकते हो, अगर आप ड्रॉप पे हो तो अच्छा ऑप्शन है एक सिक्योरिटी गार्ड का, क्योंकि आप सिक्योरिटी गार्ड में थकान कम होती है एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है एक जगह या फिर बैठना होता है एक जगह, तो सिक्योरिटी गार्ड की पे रेट भी थोड़ी सी कम है फोकलिफ्ट की, $16-17 मैक्सिमम, $17-18 अगर आप सुपरवाइज़र की पोस्ट पर जा रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा मिलेगी, बट हम $16 इज़ द मैक्सिमम यू कैन गेट, बट $16 इज आई थिंक गुड इनफ टू लाइक डू दिस टाइप ऑफ जॉब्स, बिकॉज आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको एक बैठना होता है एक जगह पे, सो यू कैन रिलैक्स चल आउट एंड जस्ट आपको टाइम निकालना है 8 hours, 10 hours की आपकी शिफ्ट रहेगी एंड आपको वही करना है, आपकी नाइट शिफ्ट होगी तो और भी ज़्यादा चल रहेगा। इसको अगर हम कंपेयर किया जाए फोकलिफ्ट के साथ, सो फोकलिफ्ट एज स्टार्टिंग की पे रेट जो होती है वो 19, 18, 19, 20 समथिंग इट गोज़ अराउंड, एंड आपको मिनिमम $18 तो मिल ही जाएगा फोकलिफ्ट के लाइसेंस, फोकलिफ्ट की जॉब्स पे। एंड बेसिकली ये जॉब, इसमें आप सेन पे भी काम कर सकते हो या दूसरे चीज़ों में, आपको दूसरे वेज में भी आपको इसमें जॉब मिल सकती है, बट थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़्यादा है जो कि मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो सेन पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो वेल एंड गुड है फोकलिफ्ट का लाइसेंस, बिकॉज आपको $21-23 तक भी आप जा सकते हो। बात करते हैं हम अगले फैक्टर पे जो कि है रिस्क का। सो यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि रिस्क इसमें ज़्यादा है फोकलिफ्ट में, आपको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है क्योंकि आपको कुछ ड्राइव करना है एंड अगर आप इंजर्ड हो सकते हो अपने आप को, अपनी हेल्थ, मतलब बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी देयर आर चांसेस टू गेट इंजर्ड, टू गेट पीपल इंजर्ड, टू बहुत लोगों की डेथ भी होती है, मतलब बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर, बट इट इज़ पॉसिबल एंड इट बिकॉज इट इज़ अ व्हीकल, सो यू हैव टू ड्राइव प्रॉपरली एंड
यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू इन दिस जॉब. सिक्योरिटी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बट वो थोड़ा सा ईजी रहता है, बट ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा आपको हर चीज़ ध्यान रख के करनी पड़ेगी. अगर आप रीच चला रहे हो, रीच बहुत टफ होती है, सो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बट टफ होती है सबसे, सो आपको बहुत देख के चलानी पड़ेगी. एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपनी फोकलिफ्ट वीडियो में, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ एक बार ही हो चुका है कि मतलब मैंने इस कारण रिस्क उठा के या बोल लो जो दूसरा रिस्क रहता है इनकम का भी, अगर आप सेंट पे काम नहीं कर रहे हो सो आप अगर दूसरे वेज में काम कर रहे हो तो आपको अगर आप कुछ हिट कर देते हो तो वहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ है एंड वो मैं आपको शेयर करूँगा दूसरी वीडियो में. तो ये है फोकलिफ्ट का एक बहुत बड़ा कॉन जो कि आपको बहुत मतलब लॉस भी करा सकता है. बट सिक्योरिटी गार्ड में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में थोड़ी सी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू फोकलिफ्ट लाइसेंस. सिक्योरिटी गार्ड जॉब इज़ मच सेफर देन फोकलिफ्ट. नेक्स्ट बात करते हैं हम जेंडर के ऊपर. सो मेल एंड फीमेल का कंपेरिजन है इसमें कि मेल को कौन सी जॉब मिल सकती है ईजिली या फीमेल को कौन सी जॉब ईजिली मिल सकती है. सो मैंने यहाँ तक जहाँ पर आके देखा है कि जो फीमेल होती है उनको, जो गर्ल्स होती है उनको फोकलिफ्ट की जॉब थोड़ी सी कम प्रेफर करते हैं जो एजेंसी होती है या फिर जो वो होते हैं. आई डोंट नो वाई बट देयर इज स्टिल अ गैप बिटवीन जॉब्स एंड हियर एंड दिस इज अ रियलिटी है. सो फोकलिफ्ट की जॉब्स जो होते हैं थोड़ा सा बॉयज को ही ज़्यादा मिलती है. सो एंड सिक्योरिटी गार्ड में गर्ल्स बहुत ज़्यादा प्रेफर होती है. यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स होते हैं, वहाँ पर टोरंटो डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा गर्ल्स काम करती है, या फिर आप यहाँ पर ब्रैम्पटन में भी देख लो. सो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गर्ल्स मिलेंगी. एंड बॉयज़ सिक्योरिटी में मेरे ख्याल से दोनों का इक्वल मार्जिन होगा, 40-60 होगा, 60 गर्ल्स का 40 बॉयज़ का. बट दोनों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस में. एंड फोकलिफ्ट में थोड़ा सा बॉयज़ की तरफ ज़्यादा है, 80-20 होगा मेरे ख्याल से, मैंने बहुत कम देखा है. तो अब कंक्लूड करते हैं यार इस वीडियो को एंड मैं अपना व्यू बताता हूँ कि मुझे कौन सी जॉब सही लगती है. एज अ बॉय आई एम गोइंग टू से फोकलिफ्ट बिकॉज जहाँ रिस्क है वहाँ पर आपकी इनकम भी अच्छी है एंड टाइम भी बहुत कम लगता है. एंड अब सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आप दूसरे वेज में भी काम कर सकते हो सेंट के अलावा. एंड अगर आपको सेंट पे सिर्फ 20 आवर्स नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए, सो आप फोकलिफ्ट के थ्रू जा सकते हो कि फोकलिफ्ट और भी वेज में आप उसको ले सकते हो, यू कैन से दैट. एंड यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेन डिफरेंस इज बिटवीन लाइक व्हाट यू हैव टू गो फॉर. Like for girls, I'll prefer to go for security guard for sure, and for boys, I'll prefer to go for forklift license. Because मैंने यहाँ पर आया, जब मैं यहाँ पर आया था सितंबर में, तो मेरे को भी सिक्योरिटी गार्ड का बहुत ज़्यादा शौक था कि वहाँ पर बैठे बैठे काम करूँगा एंड बहुत ईजी होगा, बहुत सही होगा. बट मैंने देख लिया कि यहाँ पर जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनाया तो मेरे को 2-3 मंथ जॉब नहीं मिली बिल्कुल भी. एंड सिम पे अमेजोन पे लगा था, तो अभी भी मैं अमेजोन से जुड़ा हूँ. सो मैं सेंट पे वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता. सो मैं सिक्योरिटी गार्ड के अपना अप्लाई नहीं कर पाया कहीं भी. हाँ बट मैंने 1 मंथ सेंट के अलावा मैंने 1 मंथ KWC एरिया किचनर साइड जाके सिक्योरिटी गार्ड किया है, बट उसका पे रेट बहुत कम था, $13 पर आर. बट स्टिल इट इज़ नॉट अ हैवी जॉब, सो यू कैन डू इट ईजली. एंड अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी जॉब है. एंड फोकलिफ्ट में ये है कि आपका पीरियड बहुत ज़्यादा रहेगा एंड रिस्क भी उतना ही रहेगा. सो दिस इज़ इट. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो फॉर इन आई हैव टेकन ऑल द व्यूज़ लाइक ऑल द फैक्टर्स एंड द मेन व्यू वॉज बिटवीन जेंडर. एंड बाकी इफ़ आई गेट मोर थिंग्स टू नो अबाउट लाइक दिस, लाइक और कौन सी चीज़ हो सकती है, तो आप मैं अपनी स्टोरीज पर ज़रूर शेयर करूँगा या रील बनाऊँगा एक अच्छी. सो कीप सपोर्टिंग यार. बहुत ही जल्द और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है एंड व्लॉग्स भी आने वाले हैं बहुत सारे. सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर ही देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कनाडा में है या कनाडा आ रहे हैं या इंडिया में, जैसा भी है, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या सही रहेगा क्या नहीं. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स रहे तो आप मेरे को इंस्टा में DM कर सकते हो डायरेक्टली कि